Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. This is for the eliminator, the WPL eliminator that is going to be happening, and it's between Mumbai and UP. We have Nikhil Bhai with us today to carry you through the preview and give you his insights on the game. Nikhil Bhai, how are you doing, and who do you see triumphant in this one? Hopefully UP. Again, firstly, thank you so much for tuning in. होप आपका WPL डिसेंट गया हो. ज़्यादातर मैचेस वैसे ही गए हैं जैसे एक्सपेक्टेड थे इन टर्म्स ऑफ कॉमन पिक्स वर्किंग. और ये हमने शुरू में डिस्कस करा था कि ये ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे आपके 7-8 प्लेयर सेम होंगे, आपके जो अलग अलग डिफरेंशियल्स होंगे वो आपको ग्रैंड लीग में ऊपर रैंक्स लेके जाएंगे. तो आई थिंक अभी के जो बची हुई दो गेम्स है इसमें तो मुझे लगता है 10 प्लेयर सेम होंगे सबके, एक ही प्लेयर शायद आपका डिफरेंशियल हो. तो इन्वेस्टमेंट वैसे करना, स्मार्टली करना एंड ऑलवेज बैक योर गट फील, क्योंकि वो आपकी खुद की है. यस बिल्कुल. एंड इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड पे जरूर ध्यान रखना. इट्स द ऐप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डाउनलोड द फैन टू प्ले ऐप राइट नाउ एंड टेक पार्ट इन दिस. आईफोन 14 फर्स्ट प्राइज है, सो डोंट मिस आउट. एंड नाउ फर्स्ट अप, लेट्स लुक एट द बेस टीम फॉर दिस गेम. So Nikhil bhai, what are your thoughts on the base team for this game? Who are the players that you think you can take a punt on in terms of leaving? Because we have obviously picked all the important players. हाँ बिल्कुल. देखिए एक चीज़ जो डेफिनेटली सबके ध्यान में रहेगी वो है मैच डीवाई पाटिल में. यहाँ पे पेसर्स को काफ़ी मदद मिली है प्रोमिनेंटली एंड एविडेंटली. तो जो बेस टीम है उसमें आपको सभी बड़े प्लेयर दिख रहे हैं, हीली, कौर, तालिया, ग्रेस, दीप्ति, सेवर, मैथिव्स, अमेलिया के, सोफी एंड इजी एज वेल. तो ऐसा कोई आपने बड़ा नाम नहीं छोड़ा है हमने बेस टीम में, और क्योंकि ये सभी के टीम में होंगे तो यहाँ से फिर आपको यू हैव टू गो बेसिस विजुअलाइजेशन. डोमेस्टिक यूपी बैटर्स इतना नहीं चले, पर क्या शेहराबाद को वापस प्रमोट करेंगे या देविका वैद्य वापस आ जाएगी? अगर वैद्य वापस आते हैं तो क्या वो स्कोर करेंगी, या यस्तिका भाटिया आपको कीपिंग से ज़्यादा पॉइंट्स दे सकती है? ऐसे सारे क्वेश्चंस इज व्हाट आई फील यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ. और आपको ऐसे आंसर मिल जाएंगे तो फिर आपको वो जो पिक लेना है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा ज़्यादा ऑप्शंस ना मुंबई ने ट्राई करे हैं ना यूपी ने. मुंबई ने अमनजोत कौर को या दारा गुजर को भी खिलाया तो उनको बैटिंग नहीं दी इतनी. तो जो भी रोल किया है मुंबई के लिए सिलेक्टेड प्लेयर्स ने किया है तो वो आपको टीम में रहने चाहिए. तो इवेंचुअली अगर आप देखें आपकी गेम सीधी आ जाती है या तो बैटिंग सेक्शन पे बिटवीन शेहराबाद शेख, किरण नवगिरे, अमनजोत कौर, या तो बॉलिंग में आ जाओ जहाँ पे आपको वस्त्रकर मिलेंगे, अंजलि सरवानी मिलेंगे और राजश्री गायकवाड़ मिलेंगे. तो ये जो तीन प्लेयर है, क्योंकि आई एम श्योर ग्रेस हैरिस अगर वापस आती है तो शबनम इस्माइल नहीं खेली, तो दैट इज अ स्ट्रेट स्टॉप देयर. तो ये जो 7-8 प्लेयर हैं, छह या जैसा भी, यही आपके डिफरेंशियल पिक्स हो जाएंगे. तो जो अगर पहले बोलिंग कर रहा है आपको लग रहा है सरवानी अच्छा करेगी तो उनको लीजिए, पूजा बॉम्बे पहले बॉलिंग कर रही है तो पूजा को लीजिए. तो दैट इज हाउ आई थिंक वी हैव टू थिंक. अगर लेस वेरियंस अराइज एनी अदर, ऑफकोर्स यू हैव ग्रेट पिक्स, बट और कोई अगर लाइन ऑफ थॉट जो आपको लगता है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए? Two things to keep in mind here is one, if UP is bowling first, I think movement is available up front at this ground. So, like Nikhil bhai mentioned, Anjali will be the pick to watch out for. Apart from that, Saika is currently not in our base because obviously the 11th pick, we have some good choices to make. So, Saika, when Mumbai is bowling second, and I think one person who is not, I don't know if it's based purely on performance, but it's based more on gut feel. And now I'm giving out my GL pick for this game, Parshvi Chopra. I think she's looked impressive, and the best part is that she's flighting the ball well above the batter's eye line. And you can see this Mumbai middle order has a lot of foreign batters who, even though are not known to be the worst players of spin, but do have problems on their day. We have seen Nat Siver and Amelia Kerr have their set of problems against slow bowlers at points. And in case this is a used track where they have not got a fresh track out and it slows down as the game progresses, I think someone like her can be big time in the game. And that will also bring me to the pick on the other side. Obviously, this is a sort of visualization that if it works out, it will look like magic. If it does not work, it will look like crap. But if that collapse happens in the middle order, then Amanjot Kaur, who's a good player of spin from Mumbai. So that's the story that is on in my head. Otherwise, the base team and the base setup is already in front of your eyes. बिल्कुल. Nikhil bhai, what do you? काफ़ी मतलब अगेन देखो जी, गेम ही ऐसा है जहाँ पे 13-14 प्लेयर ही हैं,
आपको उन्हीं में से पिक करना है। तो 10 तो हमने पिक करे थे, 11वां ऑब्वियस था, 12वां 13वां सर ने दे दिया। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें ज्यादा रिस्क लो, क्योंकि उतना वर्थ नहीं है, रिवॉर्ड आपको शायद तो ना मिले। तो मैं कहूंगा जो आपके बेस्ट टीम के प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ आप जा सकते हो, एंड यू कैन डू दैट जॉब बेटर इन टर्म्स ऑफ बैकिंग देम। तो मेरे ग्रैंडिक ऑप्शन में जो सबसे पहला नाम होगा वो होगा कैप्टन यूपी की, जो है अली साहिली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका बर्थडे भी है ऑन द मैच डे। तो अगेन फैंटेसी में वैसे भी कभी कभी रैंडम थिंग्स वर्क, तो मार्च 24 इज हर बर्थडे, सो जस्ट कंफर्म। सो यस, अलीसा अली नंबर 1 ग्रैंड लीग पिक फॉर द डे, और शी लाइक्स टू प्ले सच काइंड ऑफ गेम्स, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको वैसा करने का। तो मैं दोनों तरफ से कैप्टन को बैक कर रहा हूँ, अलीसा अली और हरमनप्रीत कौर। अगेन सिंपल लॉजिक है, बड़े दिन पे कैप्टन विल वॉन्ट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और फॉर्म रहा है दोनों का। तो आपके पास विकल्प आप देखें बहुत सारे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के सीधे सीधे विकल्प सभी के लिए होंगे। मैथ्यूस एंड स्कीवर एज द फर्स्ट ऑप्शन, यू विल हैव पीपल विद सोफी एंड दीप्ति कमिंग इन एज ऑप्शन, यू विल ऑल्सो सी पीपल में तालिया मैग्रेन, ग्रेस हैरिस एज ऑप्शन। तो मुझे लगता है ये जो 6 नाम है, इन्हीं 6 नाम में से आपके कैप्टन वाइस कैप्टन घूमेंगे। और इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अमेलिया केर, यू हैव अलीसा अली, यू हैव हरमनप्रीत कौर। सो डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपके लिए बहुत हो सकते हैं इस गेम में। तो मैं कहूंगा जो आपकी मेन टीम है, अगर उसमें आप 2, 3, 4 मेंबर्स खेलते हो तो अकॉर्डिंगली टीम बनाना, बट ये बहुत अच्छा गेम है टू क्रैक अ ग्रैंड लीग, क्योंकि एक प्लेयर का एक कैच भी आपको ग्रैंड लीग लेके आ सकता है, मिस भी करा सकता है, बट सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचते हैं, मिल जाएगी ग्रैंड लीग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस बिल्कुल, एंड एक चीज दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, प्लीज डोंट मेक अमनजोत कौर एंड चोपड़ा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, दे आर माय हाँ डिफरेंशियल पिक्स, नॉट हाँ डिफरेंशियल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। इफ यू वांट डिफरेंशियल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, सोफी एकलसन एंड अमेलिया कौर, सो पुटिंग एंड टू दैट पार्ट ऑफ द डिबेट राइट नाउ ओनली, हाँ एंड बिल्कुल। तो दैट इज देखिए इफ वैसे, सोफी इफ शी इज बोलिंग फर्स्ट एंड अमेलिया इफ शी हाँ इज बोलिंग सेकेंड, देखो और अगेन सोफी इज फेयरली बोल्ड एट। लॉजिकल है, एग्जैक्टली। तो ये मैं बोलने आ रहा था कि सोफी और अमिला के कॉम्बिनेशन भी आपको वैसे चल सकता है। सोफी फर्स्ट बॉलिंग में, एंडोर्स में डालेगी, सोफी को नहीं ट्राई करना, दीप्ति शर्मा को ट्राई करो। शी हैजंट हैड द टूर्नामेंट, बट शी हैड वन गुड गेम अगेंस्ट मुंबई, तो वो भी शी कैन डू वेल। एंड परसुच एक्चुअली अगर आपको अमनजोत कौर और परसुच चोपड़ा को रखना है, यू कैन कीप देम इन फ्यू कॉम्बिनेशन, जस्ट दैट बी श्योर के परसवी उनका आउट निकल। तो वो आपको मैचअप वैसे देख के घुमाना है कि अगर आपको लगता है कि चलो मैं सोफी और परसवी या दीप्ति परसवी का कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, तो आपको फिर वैसे मैचअप्स देख के फिर आपको टीम बनानी पड़ेगी। बट अगेन वेरी एक्साइटिंग गेम टू ट्राई आउट मल्टीपल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कोर सबका सेम है ना, तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग। इस गेम में आपको जिस प्लेयर पे गट फील आ रही है उसको बैक करो, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत है। Yes, absolutely. So that wraps up our preview for the Eliminator. I might not be able to cover this game live, so ensure that you watch this preview thoroughly. Also, announcing the winner of the India vs Australia jersey giveaway. Yes. It's me because I was the only one who predicted zero. No one else predicted zero. So thank you and congrats to me. But sadly, that's 3 in a row for Surya. So no one should ask me now ki jersey kaun jeeta. Ki jersey main hi jeeta, but mujhe to prize milega nahi. But और anyway, देखो that's सूर्या, सूर्या का एग्जाम्पल ही बेस्ट है। यू विल नॉट ऑलवेज हैव द बेस्ट ऑफ टाइम्स। फेब में ही वाज आई थिंक द आईसीसी T20I प्लेयर ऑफ द ईयर, या ऐसा कुछ तो अवार्ड मिला था। एंड मार्च में हैड 3 कंसेक्यूटिव डक्स। तो फैंटेसी हो, लाइफ हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ सेम नहीं होती। तो बी रेडी फॉर बोथ साइड्स, एज लॉन्ग एज आपका प्रोसेस सही है, रिजल्ट्स विल कम इन ड्यू टाइम। तो ना आगे ना पीछे, वी कीप ट्राइंग। Yes, and he'll keep being my GL pick across ऑफ the कोर्स season for Mumbai, and I'll keep backing him. And we यप hope that you continue to back your instincts. Enjoy the game, यस hit the like button, and subscribe whichever channel you're watching this on. Have a great game. All the good luck to you, and stay tuned on the Fan to Play app. See you all soon. यस डाउनलोड नाउ।